हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पिछले कुछ दिनों में ये काउंटर जो है आपको थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दिया। ये बात तो हमने सबने देखा है कि काउंटर थोड़ा सा वीक ही रहा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन क्या ये काउंटर अभी आगे भी इसी तरीके से वीक ही रहने वाला है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनकर आता है, या फिर चीज़ें जो है सुधरती हुई दिखाई देंगी। अगर चीज़ें जो है सुधरती हुई दिखाई देंगी तब तो डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ही माहौल रहने वाला है तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोई तुक्केबाजी करने वाले हैं, हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में, उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं कि क्या रिपोर्ट है, क्या यहाँ पर ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शेयर। 138 रुपये पर इसकी जो है क्लोजिंग आपको नजर आई है। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज इसमें 2.5% के आसपास की आपको जो है तेजी देखने को मिली है। चार्ट आपको दिखाई दे नहीं रहा क्योंकि चार्ट एक घंटे का था, इसलिए यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में जो माहौल किस तरीके का रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो है बनकर आ जाती है। देखते हैं कि अवेलेबिलिटी कितनी है। तो वन सेकेंड, आप यहाँ पर देखो कि पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है कि इसने एक लो बनाया था, वहाँ से अभी रिसेंटली जो इसका लो बना है वहाँ से शेयर लगभग लगभग 6% रिकवर हुआ है। तो ये देखिए, लगभग 6% के आसपास की यहाँ पर रिकवरी भी हुई है। ऐसी बात नहीं कि रिकवरी नहीं हुई, लेकिन दिक्कत ये है कि गिरावट ज़्यादा हुई है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लगभग 16-17% शेयर नीचे है, एंड ऊपरी स्तर से देखोगे तो लगभग 25% नीचे, जो इसने हाई बनाया था आईपीओ के बाद। तो ये जो समस्याएं हैं ये इस काउंटर में आपको नज़र आ चुकी हैं पिछले कुछ समय के अंदर अंदर। अब आगे क्या दिक्कत हो सकती है, ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि अभी आपने देखा है जो चीज़ें आपको देखने को मिली उससे डेफिनेटली लोग टेंशन में तो हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है बेसिकली अगर आप देखोगे तो। तो देखो, अभी तक के माहौल के बारे में तो मैंने आपको बताया है, अब बात आगे के लिए निकल कर आती कि आगे के लिए क्या हो सकता है, ये एक सवाल बना हुआ है। उसके लिए कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक रिपोर्ट जो है मैं आपके सामने रखता हूँ, ये देखो ईटी नाउ की एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है। ये देखो, बजाज स्टॉक अंडर 150 शुड यू बाय आफ्टर 28% क्रैश, यह लिखा है। बजाज का ये शेयर है लगभग 28% नीचे भी गिर चुका है, क्या आप इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए? ये बात जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है, एंड यही तो हमें देखना है और देखना भी क्या है। तो चलो देखते हैं फिलहाल इस रिपोर्ट में आपको थोड़ा सा, अगर मैं आप आगे लेकर चलूँ तो यहाँ पर लिखा गया है यही कि स्टॉक ने अपना हाई बना रखा है 188 के आसपास का, ठीक है। लेकिन अब जो स्थिति है उसके बाद ये शेयर ठीक ठाक नीचे दिखाई दे रहा है, एंड अब यहाँ पर जो है खरीदारी भी करी जा सकती है। ये देखो यहाँ लिखा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर प्राइस टारगेट फॉर 1.5 to 2 months कम आउट टू बी 155 to 160, मतलब आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर ये काउंटर जो है आपको कितना टारगेट दिखा सकता है, बेसिकली ये दिखा सकता है आपको लगभग लगभग 155 से 160 रुपये के आसपास के टारगेट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो टारगेट तो फिलहाल की प्राइस के हिसाब से सही है, एंड बात तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेढ़ दो महीने की हो रही है। तो डेढ़ दो महीने के हिसाब से तो अगर आप देखोगे तो ये टारगेट जो है वो आपको अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, नो डाउट। एंड अगर ये टारगेट आ जाते हैं तो क्लियर है कि आने वाले दिनों में इन्वेस्टर थोड़े से इससे खुश हो सकते हैं। खरीदारी करी तो और अच्छी बात है, एंड अगर नहीं मान लेते, खरीदारी नहीं भी करते हैं तो भी जिसके पास है उसकी अगर रिकवरी यहाँ पर हो जाती है तो भी आप ये मान के चलो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात ये आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली रिपोर्ट तो अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप जाके खरीदारी कर लो, वो श्योरली देखो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर अपने किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस से कंसल्ट करके ही खरीदना। लेकिन इतना है कि अगर आप रख कर बैठे हो तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा होल्ड यहाँ पर करके चलते हो तो सिचुएशन जो है हो सकता है आपको सही देखने को मिले। अब कितना सही होगी ये समय बताएगा, लेकिन कहा तो इन रिपोर्ट्स में यही जा रहा है, ठीक है। बाकी की चीज़ें आप देख ही रहे हो। एक और अगर मैं आपके सामने रिपोर्ट रखूं, यहाँ पर देखो कुछ इसमें है या नहीं, तो
डायरेक्टली मैं नीचे ही लेकर चलूंगा, मतलब डायरेक्टली कंक्लूजन पर ही लेकर चलूंगा। तो यहाँ अगर आप देखो, यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, यही लिखा है कि परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी की ठीक है, नतीजे भी इस बार कंपनी के जो है वो ठीक ठाक निकल कर आए थे, उसमें भी कोई ऐसा जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन बात यह है कि वैल्यूएशन का जो बात करी जा रही थी, जो यहाँ पर भी करा जा रहा पिछले कुछ दिनों से करी जा रही है कि वैल्यूएशन महंगी है, वैल्यूएशन महंगी है, तो वो वैल्यूएशन तो अभी भी अगर आप देखोगे तो सस्ती नहीं है। ये कहा जा रहा है कि अभी भी इस गिरावट के बाद भी अगर आप देखोगे ना तो वैल्यूएशन अभी भी सस्ती नहीं है। ये बात आप मान के चलो, तो वैल्यूएशन कंफर्ट ना होने के कारण अगर जिन लोगों को वैल्यूएशन की वजह से नहीं खरीदारी कर रहे थे उन्हें जो है अभी भी इंतज़ार करना चाहिए। एंड जो लोग इसके फंडामेंटल्स पर बिलीव करते हैं वो लोग चाहे तो एंट्री करके चल सकते हैं, ये बात जो है यहाँ भी कही जा रही है। लेकिन दोस्तों मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि बजाज का शेयर है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इस सेक्टर में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। बस दिक्कत ये है कि LIC, अगर आप देखोगे LIC हाउसिंग फाइनेंस देखोगे तो उसकी वैल्यूएशन बहुत सस्ती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 7x के पी मल्टीपल पर मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 7x। लेकिन LIC के जो शेयर्स हैं, LIC ग्रुप के जो शेयर्स हैं, उनकी वैल्यूएशन वैसे भी किसी से मीट नहीं करेगी, ये तो आप मान के चलो, क्योंकि वो शेयर्स नहीं बढ़ते तो क्या ही किसी की वैल्यूएशन जो उनसे मीट कर पाएगी। अब ऐसा नहीं है कि LIC के सेक्टर की दूसरी कंपनी चली नहीं, रिटर्न भी चली भी हैं, अच्छे खासे रिटर्न भी आए हैं, इसलिए LIC से कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं बेसिकली। बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझ सकते हो। अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं कि आज यहां पर क्या हुआ है, तो अगर देखोगे आज लगभग 76 लाख के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए हैं NSE पर। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि NSE पर डेली बेसिस पर लगभग 1.5 से 2 करोड़ शेयर्स ही ट्रेड होते हैं, और वो पूरे के पूरे अगर आप देखोगे तो 6 से 6.5 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन आज सिर्फ 1 घंटे में 76 लाख का वॉल्यूम हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ठीक। वहीं अगर मैं BSE की बात करूं तो 11 लाख या 12 लाख आप मान के चलो, हालांकि 1 करोड़ तो नहीं, लेकिन 90 लाख के आसपास अगर आप बोले तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है होता हुआ देखने को मिला है। ये वॉल्यूम 1 घंटे के हिसाब से बहुत तगड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली बात हो गई बजाज फाइनेंस के बारे में, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में स्पेशली। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, याद रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दूसरी वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से, जिससे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।